हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं सत्य इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। आज हम सीखने वाले हैं टू पैरेलल कनेक्शन डायग्राम। ये चार पोल का कनेक्शन है, 1440 आरपीएम और टोटल कॉइल ग्रुप इसमें 12 हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि पिछले वीडियो में सिंपल कनेक्शन वो था, सिंपल सीरीज कनेक्शन, उसको देखिए फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये टोटल कॉइल ग्रुप इसमें 12 हैं, देख सकते हैं, ये काउंट कर लेते हैं, ये टोटल कॉइल ग्रुप हो गया 12। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सिंपल कनेक्शन आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये टू पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ए बी सी, ये हो गया एक पोल ए बी सी, ये हो गया दो पोल ए बी सी, ये हो गया तीन पोल ए बी सी, ये हो गया चार पोल। ठीक है, ये चार पोल का कनेक्शन है। ए का ए में ही जुड़ेंगे, ठीक है, और बी का बी में ही और सी का सी में ही, तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, ए का ए में ही, बी का बी में ही, आप देख सकते हैं डायग्राम में ए बी सी लिखा हुआ है, तो उसी के आधार से हम कनेक्शन करेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट तरफ का टॉप हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया, ऐसे आपको बनाना है। ये टॉप हो गया है, ये बॉटम, ठीक है, लेफ्ट का टॉप और राइट का बॉटम, ऐसे ही आप कनेक्शन करते जाएंगे। तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जम्फर बनेंगे, एक से चार में काउंट करते हैं, तो एक नंबर के बॉटम चार नंबर के बॉटम में जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से काउंट कर लेंगे हम साथ में, एक ये टॉप जाएगा, ठीक है, लीड के लिए, क्योंकि ये टू पैरेलल है, जितना टॉप लीड निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे ले लेता हूँ क्योंकि पूरा डायग्राम बनाना है। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, जो कि टू पैरेलल में हमेशा एक से सात में ही जुड़ेंगे, आपको ध्यान देना है। तो चार से सीधा निकल जाएगा दस का टॉप में, ठीक है, चार के टॉप दस के टॉप में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा ए टू। ठीक है, ए टू हो जाएगा ये, फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वो हो जाएगा ए वन। तो ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न जाते हैं, फिर दस नंबर के बॉटम को हम सात नंबर के बॉटम में जोड़ेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ से काउंट कर लेंगे तो सात नंबर में आएगा। तो दस नंबर के बॉटम को ऐसे ही हम उठा लेते हैं, एक दो तीन चार, सात नंबर के बॉटम में इसको हम जोड़ लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारे दो जंपर हो गया, एक फेस में दो जंपर बनेंगे टू पैरेलल में 1440 आरपीएम। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो टोटल फेस में हमारा बन जाएगा छह जंपर। ठीक है, फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एक साथ में एक साथ हो गया, तो सात सात का टॉप एक के टॉप में जुड़ जाएंगे, ये लीड के लिए निकलेगा। ठीक है, जितना ही मैं ए वन ए टू बी वन बी टू लिखूंगा वो लीड के लिए निकलेगा। ठीक है, जो कि ये मैं लिखने वाला हूँ, इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं, ये हो गया ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम मार्किंग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ए वन। ठीक है, ए वन, इसी के आधार से हम स्टार डेल्टा करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट करके तो एक फेस का कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो अब हम दूसरा फेस का स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, दूसरा फेस का मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फेस का हम टॉप को निकाल लेंगे और बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा नंबर का बॉटम को एक दो तीन चार, पाँचवा नंबर के बॉटम में जुड़ जाएगा। अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा मोटर में, तो आप ऐसी नंबर लगा सकते हैं, ऐसे आप अगर नंबर लगा लेंगे तो आपका कनेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पाँच नंबर का टॉप को हम लीड के लिए निकाल लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, यहाँ सात काउंट कर लेंगे तो ये ग्यारह नंबर का टॉप
पाँच नंबर के टॉप में जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा लीड, ठीक है, ये टू पैरेलल का, एक लीड में दो जुड़ा मतलब ये टू पैरेलल हो गया। इसमें मार्किंग कर लेंगे हम बी वन, ये बी वन हो जाएगा, ठीक है, ये बी वन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 11 नंबर का बॉटम को हम रिटर्न ले जाएंगे, ठीक है, 8 नंबर के बॉटम में, 8 नंबर के बॉटम में, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार। फिर यहाँ से हम जोड़ लेंगे, ये हो गया जंपर, ठीक। फिर यहाँ से हम 8 नंबर का टॉप को लीड के लिए निकालेंगे, यहाँ से काउंट कर लेंगे हम, 8 नंबर का टॉप 2 नंबर के टॉप में ये जुड़ जाएंगे, फिर इसमें लीड के निकल जाएगा, एक हो गया 7, ऐसे 7 में काउंट करेंगे हमारा लीड को। यहाँ से हम ज्वाइंट कर लेते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये नंबर इसमें डाल देंगे हम, नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये हो जाएगा हमारा बी टू, बी टू हो जाएगा। हमारा दूसरा फेस कंप्लीट हुआ, अब हम तीसरा फेस का स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो के अंत तक, बने रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा और डायग्राम को बनाते जाइए ताकि आपको आगे काम में आएगा। तो बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं, 3 नंबर का कॉइल है, ये 4 हो गया, तो 6 नंबर का बॉटम को हम जोड़ेंगे, एक ये यहाँ से लीड निकलेगा, एक, ठीक है, यहाँ से लीड हम निकालेंगे, लीड के लंबा निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 में जुड़ेंगे लीड, तो 12 नंबर का टॉप को निकालेंगे हम और 6 नंबर का टॉप को आपस में जोड़ेंगे। इसमें हम मार्किंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम वापस आएंगे 12 नंबर से 1 से 4 में, एक, ठीक है, तो 9 नंबर के बॉटम में जुड़ेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, 1 से 4 हुआ, तो ये 9 नंबर के बॉटम में जुड़ जाएगा, यह हो गया, जुड़ गया। यहाँ से फिर लीड के निकल जाएगा, यहाँ से काउंट कर लेंगे हम 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया हमारा लीड कंप्लीट, लीड कंप्लीट हो गया। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें धारा कैसे बहेगा, ठीक है, जितने भी A11 है उसमें हमारा धारा सीधा सीधा जाएगा, ठीक है, और 2-2 में वापस आएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड मैं दिखाता हूँ आपको, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ, अब फटाफट से बना लीजिए डायग्राम को ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से, और भी हम बहुत सारे डायग्राम आपको बताने वाले हैं, उसी में काम चल रहा है, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ, ये A1 हो गया, ठीक है, एक एक छोड़ के नंबर लगेगा, आप देख सकते हैं, A1 B2 C1 A2 B1 C2, ठीक है, अब देख सकते हैं धारा कैसे बहेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ 1 में जा रहा है धारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कैसे इसमें दिशा रहेगा, किधर से गुजर के जाएगा, ठीक है, इधर सीधे जाके राइट तरफ जाएगा, ठीक है, कॉइल में ऐसे घूमेगा धारा आपका, फिर यहाँ से जाके फिर लेफ्ट तरफ चला जाएगा, फिर वहाँ से निकल के बाहर, ठीक है, दूसरा छोर को देख लेते हैं हम, क्योंकि टू पैरेलल है, तो टू पैरेलल इधर से राइट तरफ साइड तरफ जाएगा ये, फिर ये लेफ्ट तरफ, तो ऐसे ही धारा इसमें बहता है। तो मैं तीनों फेस कैसे आपको करके बताता हूँ, मैं अगर ऐसे ही आपको धारा लास्ट में ऐसी बना लेंगे तो आपका कनेक्शन सही है कि नहीं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक जगह कनेक्शन आपका गलत रहेगा तो उसमें पकड़ में आ जाता है, ठीक है, तो ये लेफ्ट तरफ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड, अब यहाँ से
दूसरा छोर को देख लेते हैं हम, ये राइट साइड तरफ जाएगा, यहाँ से निकल के V2 में बाहर आ जाएगा, देखिए। ठीक है, मैं तीसरा फेस को बता देना चाहूँगा, देखो ऐसे ही जाएगा ये लेफ्ट तरफ जाएगा। अब लीड कहाँ कहाँ जुड़ा है उसको आप देखते जाइए और धारा का मार्किंग करते जाइए, देख सकते हैं आप ऐसे ही है, ये जाएगा राइट साइड, ठीक है, वहाँ से निकल के लेफ्ट साइड, फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा धारा कंप्लीट, 2-2 में बाहर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि धारा कैसे बहता है उसको मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें वापस आएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, और इसमें आएगा, इसमें जाएगा ऊपर, इसमें नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायग्राम बना लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।